यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस डिजिटल युग के जमाने में भी नेत्री के बोराड़ी स्थित पेट्रोल पंप में वही जर्जर पुराने मशीनों से काम चलाया जा रहा है। यह पूरे उत्तराखंड का पहला ऐसा पेट्रोल पंप है जहां कई सालों से पुरानी मशीनें लगी हैं, परंतु सिस्टम की नाकामी ही कहेंगे कि इतने साल बीत जाने के बावजूद इस पेट्रोल पंप की दशा नहीं सुधर सकी। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस पेट्रोल पंप पर मजबूरी में लोगों को पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। सर, यहाँ पर जो है करीबन कई सालों से जो है यही पेट्रोल पंप में यही मशीनें चल रही हैं, कई साल हो गए। जी हाँ जी हाँ। तो अब तक ये मशीनें क्यों नहीं लग पाई नहीं, जबकि जो है टिहरी जिले के अंदर सब जगह नई मशीन लगी हुई है। हाँ जी हाँ, हमने तो इसकी रिपोर्ट पिछले साल बना के दे दी थी। अब इसका सारा उत्तरदायित्व इंडियन ऑयल के होते हैं, वो कब इसको चेंज करे और कब ना करे। आपने अपनी तरफ से कभी कोई कार्रवाई की इसके बारे में? बराबर मैडम को जो उनके सेल्स ऑफिसर हैं उनको सब ये संपर्क किया है कि हमारी नई मशीन लगनी चाहिए। अभी तक उसमें कोई उत्तर वगैरह कुछ कोई जवाब नहीं? देखिए, आपके माध्यम से ये मेरे संज्ञान में लाया गया है, और जैसा कि आपने अवगत कराया कि पूर्व में भी इसमें आपने प्रशासन को अवगत कराया था इस बारे में, तो निश्चित रूप से हम लोग संबंधित विभाग के माध्यम से इसमें जांच करवाएंगे और जो भी इसमें कार्यवाही होगी वो कार्यवाही की जाएगी। अभी पेट्रोल पंप में अमूमन देखने को मिलता है कि पूरे देश में हर जगह नई पेट्रोल मशीनें लग गई हैं, पर यहाँ तिर जिले में एकमात्र ऐसा पेट्रोल पंप है जहाँ अभी तक ये पुरानी मशीनों से काम चलवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कई साल हो चुके हैं, यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि नई मशीनें अब तक नहीं लगी हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर सरकार की नाकामी कहेंगे या सिस्टम की नाकामी कहेंगे कि इनके द्वारा कई बार पत्राचार करने के बावजूद ऊपर से नई मशीनें नहीं लग सकी हैं। कैमरामैन नवीन के साथ ज्योति डोभाल, टीडी।